अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे बता दें कि कुवैत के अंदर अभी जो डिपोर्टेशन का काम है बहुत ही यानी कि ज्यादा कह सकते हैं, हर जगह से कुवैत पुलिस द्वारा छापेमारी चल रही है। यह भी दोस्तों बता दें कि जैसे कि आप देख सकते हैं, 10 एक्सपेट्स वोमेन टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम कुवैत फॉर इमोरलिटी। दोस्तों बताया गया है कि कुवैत के कई एरिया जैसे कि हवेली है, सालमिया के अंदर 10 ऐसे वोमेन है जो कि किराए पर रूम लेकर के यहाँ पे गलत तरीके से काम करती थी और उनका एकामा वगैरह भी इलीगल था, रेजिडेंसी एक्सपायर था, जिनके बाद कुवैत पुलिस द्वारा रेड मारा गया और उन सभी को यानी कि हैंड टू हैंड डिपोर्ट कर दिया गया। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है कि कुवैत के अंदर किसी तरह का भी इलीगल, चाहे प्रवासी हो कोई भी हो, यानी कि कानून के खिलाफ वायलेशन करते हैं तो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी समय था उन्हें दे दिया गया था, चाहे एकामा रेनुअल करने के लिए या फिर कुवैत से बाहर जाने के लिए। जो लोग भी कुवैत में इस टाइम हैं, अगर वो यानी कि एकामा रेजिडेंस एक्सपायर है तो उन्हें उनके कंट्री में भेज दिया जाएगा या फिर उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों कुवैत के अंदर जो भी लीगल है, एकामा रेजिडेंस एक्सपायर है, उनके लिए यहाँ पे काफी दिक्कत हो सकता है। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों कुवैत इंडियन एम्बेसी को लेकर के है। जो लोग भी कुवैत इंडियन एम्बेसी में किसी भी कार्य से जाना चाहता है, चाहे वो पासपोर्ट अपडेट के लिए या फिर किसी भी काम से, तो यहाँ पे बता दें कि कुछ टाइम टेबल को अपडेट किया गया है। जैसे दोस्तों मॉर्निंग में आपको 7:30 से लेकर के 9:30 PM तक जा सकते हैं, वो भी यानी कि थर्सडे तक। उनके अलावा बता दें कि यहाँ थर्सडे से लेकर के फ्राइडे तक जो टाइमिंग है वो है 2:30 PM से लेकर के 9:30 PM तक आप जा सकते हैं। इसी समय के अनुसार दोस्तों आपको जाना पड़ेगा ये BLC सेंटर, बता दे कि इंडियन एम्बेसी, फाहिल हो, जलीब हो, अल सुवेक हो, यही टाइमिंग होगा इनका। तो दोस्तों ये कुवैत से कुछ लेटेस्ट अपडेट था। कुवैत से सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर